आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हम ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं जो पास होती है थ्रू एमपी एंड यूपी के बुंदेलखंड रीजन से। जी हाँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं ग्वालियर जंक्शन से चल के बनारस जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस। सो हे गाइस, दिस इज माही एंड यू आर वॉचिंग रेलवे एयरलाइन। इंग्लिश बोलते हैं, मजा आ गया। टाइम देखो, टाइम बज रहे 8:40 और अभी जस्ट 5 मिनट पहले ट्रेन को लगाया और मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ ब्रांड न्यू 3 AC इकोनॉमी में। डिपार्चर में बस 20 मिनट बाकी है। ये ट्रेन कवर करती है 624 किलोमीटर्स इन 14 आवर्स। इसमें 25 हॉल्ट्स पे रुकती है और सारे के सारे 25 हॉल्स तो दिखा नहीं सकता, जो इम्पोर्टेंट हॉल्स है वही मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी यहाँ से निकलेगी 9:05 को और वहाँ पे पहुँचा देगी बनारस हमें सुबह 11 बजे। इस ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पे रिवर्सल भी होता है। कोई इस ट्रेन के इंटीरियर और दिखा दो। एग्जैक्टली 9:05 को अभी हम निकल रहे हैं ग्वालियर जंक्शन से निकल रहे हैं। अभी सही पुलिंग चालू हो गया। चलो अच्छी बात है, 5 मिनट में निकल गई गाड़ी। बाद में खड़ी है बरौनी ग्वालियर में। अपना पहला हॉल्ट डाबरा, स्टेशन का कोड है DBA। छोटा सा स्टेशन है बुंदेलखंड रीजन में और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट और हम लोग पहुँचे हैं लाइक 10 मिनट डिले के साथ।
है अपना सूबेदारगंज सिकंदराबाद स्पेशल फेयर। अभी हम अप्रोच कर रहे हैं झांसी जंक्शन। किलोमीटर की जर्नी के बाद अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। 11107 बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन सुशक्ता बॉर्डर BGLJ। यहाँ पे हमारे ट्रेन का अच्छा खासा 5 मिनट का हॉल्ट है और हम 15 मिनट की देरी के साथ आए हैं यहाँ पे। झांसी जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 303 ट्रेन हॉल्ट होती है, 19 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 19 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी जंक्शन। यहाँ पे आने का टाइम था 6:14, हम आ चुके हैं 6 बजे ही, 10 लगभग 14 मिनट्स अहेड।
आ रही है प्रयागराज संगम की तरफ से और उधर ही हम बढ़ने वाले रिवर्सल लेके लिए। किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी हमारी ट्रेन 111 07 बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे हमारा स्केड्यूल्ड अराइवल था 7:55 को और अभी हम पहुंचे 6:40 को और यहाँ पे हमारे ट्रेन का रिवर्सल है। हम आए थे इस तरफ से और हम जाएंगे इसी तरफ से। बात करें प्रयागराज जंक्शन की, ये 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे 284 ट्रेन रुकती है। यहाँ से 16 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे 16 ट्रेन्स टर्मिनेट होती है। प्रयागराज को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से मेजरली 3 लाइन गई हुई है। एक है फतेहपुर होते हुए कानपुर और उधर से दिल्ली और मुरादाबाद की ओर और लखनऊ की ओर लाइन्स अलग जाती है और एक जहाँ से हम आ रहे हैं नैनी मानिकपुर होते हुए सतना और झांसी वाली लाइन और जिस पे हम बढ़ने वाले हैं फाफामो होते हुए प्रतापगढ़ की ओर और एक नैनी जंक्शन मिर्ज़ापुर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर और एक जिसमें अपनी प्यारी वंदे भारत चलती है रामबाग होते हुए वाराणसी की ओर। डॉट ऑन टाइम निकल रहे प्रयागराज जंक्शन से। वो राइट वाली लाइन्स जो हम आ रहे हैं और जहाँ से हम आए नैनी जंक्शन की ओर से और अभी हम बढ़ रहे हैं प्रयाग जंक्शन की ओर और स्ट्रेट वाले लाइन्स चले जाते हैं प्रयागराज रामबाग की ओर जहाँ से अपना वंदे भारत आ रहा है। एग्जैक्टली 500 किलोमीटर की जर्नी के बाद अभी हमारी ट्रेन 11107 पहुंच चुकी है फाफामाओ जंक्शन। स्टेशन का कोड है PFM। 29 ट्रेन हॉल्ट होती है यहाँ से, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। फाफामाओ को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 4 लेन गई हुई है। एक है जिसपे हम जा रहे हैं झंगई होते हुए वाराणसी की ओर और एक है उन्नाव की तरफ और एक लखनऊ की तरफ और एक सीधा बढ़ जाती है प्रतापगढ़ की ओर। फिर आने का सही टाइम था 7:48, अभी हम पहुँचे हैं 7:41 पे। अभी हमें 10 मिनट का हॉल्ट है ऑलमोस्ट।
ये लाइन जाती है टूवर्ड्स प्रतापगढ़, लेफ्ट वाली जाती है टूवर्ड्स लखनऊ। और अब हम पढ़ रहे हैं झंडा होते हुए वाराणसी की ओर। झंगाई जंक्शन स्टेशन का कोड है JNH। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी हम पहुँचे 15 मिनट के डिले के साथ। झंगाई को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन प्रतापगढ़ की ओर गई है और एक लाइन यहाँ से हमारे फाफामाऊ की ओर और एक लाइन बनारस की ओर गई है और एक लाइन जाती है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 59 ट्रेन हॉल्ट होती है। ₹623 किलोमीटर की जर्नी के बाद अभी हमारी ट्रेन 11107 बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बनारस। स्टेशन का कोड है BSBS। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पे हम होता है हमारा जर्नी ख़त्म। मुझे यहाँ से कहीं और जाना है और यहाँ पे होता है हमारा ब्लॉग ख़त्म।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।